वेलकम स्टूडेंट्स इन दशरथ पॉल यूट्यूब चैनल्स। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक इज डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम्स। फर्स्ट इसमें डिसऑर्डर है एलर्जी। व्हाट इज द एम, why we study the about the allergy? You know about them in our bodies, they affect, they are different type of substances which cause on the surface of skin red, darkness or itching. Okay, how can they are prevent from them? What is the causal organisms, yeah, what is the substance which cause the allergy? We study today. Clear? So first thing, what is the allergy? The allergy is the hypersensitive of a person to some foreign substance coming in contact with or entering the bodies. Okay, means there are some foreign substances which are hypersensitive for the person. There are different person, that is causes the different type of allergies या different type of substances. कई तरह के substances हो सकते हैं जिसके कारण जो human beings की body है उसके कारण hypersensitive हो जाता है, उसको हम allergy कहते हैं. Just like you see in diagram that is given here, red darkness patches on the skin, itching on the hands. Okay, so what is the allergen which cause the allergy? कौन कौन से allergen है, substances है जिसके कारण allergy होती है? The substances that cause allergy are called allergens. ठीक है, तो allergen किसको बोलते हैं? Those substances that which cause the allergy, जिस substance के कारण एलर्जी होती है उसको हम एलर्जन बोलते हैं. सम कॉमन एलर्जेंस आर, उसमें से कुछ एग्जांपल के रूप में आपको बता रहे हैं. सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जन विच कॉज द एलर्जी, फर्स्ट है माइट्स इन डस्ट, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो माइट्स में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज अफेक्ट द स्किन सम पर्संस. ओके, सेकेंड थिंग एलर्जन है पोलेंस, पोलन ग्रेन, यू नो अबाउट देम, दैट इज़ द वेरी इफेक्टिव. जो स्पीसीज आप एक नाम सुनवाओगे, पार्थेनियम, कैरेट ग्रॉस, इसके जो स्पोर्स होते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन, दे आर रैपिडली स्प्रेड इन द एयर, और जब हम ब्रीदिंग के थ्रू उसको इनसाइड लेते हैं ऑक्सीजन को, तो उसके साथ है इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं, दैट इज ऑल्सो गोज इन साइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक, और वहाँ पर जो ट्रेकिया रीजन है या नोजल पाथवे जहाँ म्यूकस का सिक्रेशन होता है उससे अटैच हो जाते हैं और एलर्जी कॉज करते हैं. स्पोर्स, पोलन ग्रेन की तरह ही स्पोर्स, जो माइन्यूट्स होते हैं स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर्स, दैट इज ऑल्सो कॉज द एलर्जी. लिपस्टिक, नेक्स्ट पॉइंट है लिपस्टिक, नेल पेंट्स, लिपस्टिक जो यूज़ करते हैं ऑन द लिप्स, यदि कंटिन्यू यूज करते हो देखते हैं वाइट पैचेस बन जाता है, वाइट कलर आ जाता है इस आपके स्किन पर, या नेल पर जो यूज़ करते हैं उसके कारण भी एलर्जी होती है. कुछ लोग लिपस्टिक लगाना या नेल पेंट्स लगाना सूट नहीं करता, मीन्स दैट इज़ द कॉजेज एलर्जी. फीदर्स, फर, पक्षियों के जो फीदर्स होते हैं, फर होता है,
उसके कलर भी एलर्जी होती है। प्लांट्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके कारण टच होने से हमारा बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट्स, दैट इज ऑल्सो कॉज द एलर्जी। फूड, सम फूड आइटम्स दैट इज ऑल्सो कॉज द एलर्जी। कुछ लोगों को जैसे मिल्क पीना पसंद नहीं है, मीट खाना पसंद नहीं है, ठीक है। कोल्ड एंड सनलाइट्स, हाई कोल्ड है तो भी कुछ लोग की बॉडी सेंसिटिव होती है। और सनलाइट या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, सनलाइट है, दैट इज ऑल्सो कॉज द एलर्जी। यू सी द सम एलर्जन इन फिगर, यू सी हियर दैट इज गिवन सम एलर्जन्स। जैसे पहला कंडीशन दिया है फूड में आपका दिया हुआ है, एग्स है, मिल्क है, फिश है, पीनट्स है, वीट है, दिस द डिफरेंट सबस्टांस फूड आइटम्स विच कॉज द एलर्जी। उसके बाद दूसरे डायग्राम में आपको दिया हुआ डिफरेंट सबस्टांस विच कॉज द एलर्जी। इसमें वीट है आपका दिया हुआ, नट्स है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स है, ग्रेन्स है, डिफरेंट कंपोनेंट, हीट दिया है, कोल्ड कंडीशन का दिया हुआ है, ओके। ओके, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। यदि एलर्जी होता है बॉडी में तो क्या सिम्टम्स शो करता है। द सिम्टम्स दैट रिजल्ट फ्रॉम एन एलर्जी मे बी डिफरेंट काइंड, कई तरह का हो सकता है, बट मोस्टली इन अफेक्ट द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है एलर्जी वह म्यूकस मेम्ब्रेन को एज वेल एज द स्किन पर ज़्यादा इसका अफेक्ट होता है, जिसको आप इजिली देख सकते हैं। स्नीजिंग जो दूसरा सिम्टम है इसका, स्नीजिंग होता है। थर्ड, वाटर इज आइज, आइज के थ्रू वाटर मतलब टीयर्स दैट इज रिलीज फ्रॉम द आइज। रनिंग नोज, कंटिन्यूस रनिंग नोज हो जाता है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इन एक्जिमा द स्किन बिकम्स रेड फॉलोड बाय द अपियरेंस ऑफ माइन्यूट ब्लिस्टर, बिकम्स रेड हो जाता है, रेड कलर का अपियर होता है पैचेस स्किन पर, देखे होंगे एक्जिमा में, और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और कभी कभी उसमें ब्लिस्टर बन जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, विच आर अफेक्ट द स्किन, ठीक है। सो देर आर सम सिम्टम्स आर गिवेन हियर्स। यू राइट सम अदर सिम्टम्स विच आर इफ यू आर अफेक्टेड या यू नो अबाउट द अदर पर्सन सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, यू राइट्स इन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स। यू सी हियर सम सिम्टम्स ऑन द सर्फेस ऑफ हैंड्स, रेड पैसेज पड़े हुए हैं और कहीं कहीं ब्लिस्टर लाइक फूला हुआ दिख रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो शोइंग द सिम्टम ऑफ एलर्जी। In this slides, you also see there is the red like structure, red small patches present on the back side of neck. There is the itching. Okay, this is also the showing of one symptom of allergy. So, what is the cause of allergy? Allergy hota kyun hai? फर्स्ट थिंग, एलर्जी इन्वॉल्व्स मेनली आईजीई एंटीबॉडीज एंड हिस्टामिन, ठीक है। एलर्जी का जो मुख्य कारण है एंटीबॉडीज आईजीई जो प्रेजेंट होता है बॉडी में, एज वेल एज द हिस्टामिन विच आल्सो प्रेजेंट इन द स्किन रीजंस, द मेन कॉजेज देम। इट कॉजेज मोर dilation of all the peripheral blood vessels
एंड द कैपिलरीज बिकम हाईली परमिएबल सो दैट लार्ज अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड लीक आउट फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू। ठीक है, जो ब्लड के पेरिफेरल्स होता है एज वेल एज द कैपिलरीज बिकम हाई परमिएबल, द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीक आउट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से रिलीज होने लगता है, डायलेशन मतलब वाटर लॉसेस होने लगता है, आउटसाइड चला ले जाने लगता है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द सबस्टांस ऑफ विच अ पर्सन इज हाइपर सेंसिटिव मे बी नो बिफोर दे कैन बी प्रॉपरली ट्रीटेड। जब बॉडी में हाइपर सेंसिटिव होने लगता है किसी सबस्टांस के अगेंस्ट, मतलब रेड पैचेस अपीयरेंस होने लगता है, इचिंग होने लगती है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीट करने से पहले या आपको ट्रीटमेंट होने से पहले आपको उस सबस्टांस के अगेंस्ट बॉडी में एलर्जी होने लगती है हिस्टामिन ज़्यादा होने कारण एज वेल एज द एंटीबॉडीज विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडीज। ओके, दैट इज क्लियर। यदि एलर्जी की फॉर्म की बात करें, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज, सम फॉर्म्स ऑफ एलर्जी वी आर मेंशन्ड हियर। फर्स्ट वन इज द हे फीवर। हे फीवर क्या है, विच टाइप ऑफ एलर्जी इज कॉज हियर? इन दिस एलर्जी फॉर्म देयर इज द स्वॉलन रेडेंट रनिंग आईज एंड नोज, जो कॉमनली होता है। द ड्रग कॉल्ड एंटी हिस्टामिन आर द मेजर इंपॉर्टेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी डिसऑर्डर। हे फीवर के अगेंस्ट या एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का यूज किया जाता है। सेकेंड थिंग, अस्थमा, दूसरा फॉर्म एलर्जी का अस्थमा। द टिश्यू सराउंडिंग द रेस्पिरेटरी ट्यूब्स इन द लंग्स स्वेल अप एंड कंप्रेस द ट्यूब। ठीक है, जो टिश्यू होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के, वो स्वेलिंग हो जाती है। इस जैसे एग्जांपल हम बताते हैं पोलन ग्रेन की, स्वेलिंग होने कारण जो ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी होती है, ओके, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसके अगेंस्ट भी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का यूज किया जाता है। थर्ड वन, दैट इज द एनाफाइलेक्सिस। इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडीज एंड अकर्स इन द फ्यू मिनट्स आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ एन एंटीजेन सच एज पेनिसिलिन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कोई एंटीजेन बॉडी में दिया जाता है अगेंस्ट द पैथोजेन, तो उसके कारण बॉडी में कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए एलर्जी शोइंग होने लगती है। सच अ रिएक्शन इज वेरी सीरियस, और इस तरह यदि शो करता है तो दिस द सीरियस कंडीशन। हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम रप्चर्ड मास सेल्स कॉजेज मार्क डायलेशन ऑफ ऑल दिस आर्टरीज सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज पास्ड फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू एंड देयर इज द ड्रेस्टिक फॉल इन द ब्लड प्रेशर। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हिस्टामिन रिलीज रप्चर सेल होता है मसल से, कॉजेज मार्क डायलेशन ऑफ ऑल द आर्टरीज सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज पास्ड फ्रॉम द ब्लड। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड पास होने लगता है आर्टरीज के थ्रू ब्लड को टू द टिश्यू, टिश्यू में, एंड देयर इज द ड्रेस्टिक फॉल इन ब्लड प्रेशर, जिसके बाद ब्लड प्रेशर फॉल डाउन हो जाता है। द अफेक्टेड पर्सन मे बिकम्स अनकॉन्शियस एंड इंडिविजुअल मे डाई विद इन अ शॉर्ट टाइम, और कभी कभी इस कंडीशन में उस पर्सन की मृत्यु भी हो जाती है। हाउ कैन प्रिवेंट फ्रॉम द एलर्जी? ठीक, तो फर्स्ट थिंग, जो नोज और माउथ है हमेशा उसको
क्लोज करके रखिए, जस्ट लाइक दिस टाइम इसमें चल रहा है आपको प्रिवेंशन फ्रॉम द वायरल डिजीज कोरोना, ठीक है। मास्क पहन चल रहे हैं तो मास्क यूज़ करिए पब्लिक प्लेस में, ओके। अगेंस्ट द एलर्जी वी आर यूज फॉर द प्रिवेंशन देम देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स विच आर यूज द अगेंस्ट द हिस्टामिन, ओके, विच आर परचेज फ्रॉम द मार्केट। सो दिस इज द टॉपिक टूडे वी डिलीवर, हियर इज द एलर्जी। थैंक यू।